हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। मैं हूं अर्पिता शर्मा, आपकी एजुकेटर। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ेंगे फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर टुडे, दैट इज द इलेक्शन सिंबल्स। सो दिस आर्टिकल वाज ऑन यू नो इन द हिंदू न्यूज़पेपर, एंड दिस आर्टिकल सेज अलॉट कॉमन सिंबल टू आजाद्स पार्टी दिल्ली हाई कोर्ट। दिस आर्टिकल वॉज ऑन पेज नंबर 2। ये आर्टिकल पेज 2 में था एंड इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर जीएस पेपर 2। तो ये प्रिलिम्स और पेपर 2 के लिए काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मेक श्योर दैट यू टेक डाउन नोट्स फ्रॉम दिस आर्टिकल, बिकॉज इन प्रिलिम्स लॉट ऑफ टाइम्स अ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल्स। तो इलेक्शन सिंबल्स कैसे अलॉट किए जाते हैं, इसके ऊपर प्रिलिम्स में काफी बार क्वेश्चन आए हैं, तो इसीलिए इसको आराम से अच्छे से पढ़ना है आज। ऑल राइट, आई गेस इन अराउंड 2017 एंड 18 ऑल्सो क्वेश्चन केम्स ऑन दिस टॉपिक। इस टॉपिक से क्वेश्चन 2018 और 17 के पेपर में भी आ चुके हैं। So we have to study this with utmost detail. Class PDF will be uploaded on our Telegram channel. Class का जो भी PDF होगा वो हमारे Telegram channel पर uploaded हो जाएगा, ठीक है? तो वहां से आप उसको आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है समझने में या वीडियो देखने में तो आप PDF भी अपलोड डाउनलोड कर सकते हो। So here the article says that Delhi High Court has asked the Election Commission to allot a common election symbol to the Chandrasekhar Azad's political party for the upcoming assembly elections in 5 states. So Delhi High Court ne Election Commission se kaha hai ki aap Chandrasekhar Azad party jo hai, Azad ji ki jo party hai, unko common election symbol allot kijiye. ठीक है? So we will study how the election symbols are allotted, under which rules they are allotted. All right? Before we start this lecture, here is a small announcement for all of you. On Unacademy Plus, we are having an annual price hike. Okay, and this price hike will be done on 9th of December 2021. सो प्राइस हाइक, यानी कि अभी जो प्राइसेस आपको मिल रहे थे ना कि आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो अंडर 50,000 आपकी तैयारी हो जाएगी, अब ये जो प्राइसेस है ये बढ़ जाएंगे 9th दिसंबर से। सो बिफोर 9th दिसंबर इफ यू आर टेकिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी प्लस, यू विल बी गेटिंग मच मोर चीपर कोर्सेज, बट आफ्टर 9th ऑफ दिसंबर और फ्रॉम 9th ऑफ दिसंबर यू कैन से दैट द प्राइसेस विल इंक्रीज। तो पहला प्राइस हाइक 9 दिसंबर को होने वाला है। सो इट इज एडवाइजेबल इफ यू आर प्लानिंग टू टेक अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, यू कैन टेक इट बिफोर 9th ऑफ दिसंबर। अगर आप प्लान कर रहे हो कि अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, हमको पढ़ाई करनी है, 1 ईयर का कोर्स या 2 ईयर का कोर्स चाहिए, तो आप उससे पहले 9 दिसंबर से पहले पहले अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। एंड वी आर ऑल्सो हैविंग ऑप्शनल कार्निवल ऑन अनअकैडमी प्लस, न्यू ऑप्शनल आर स्टार्टिंग फ्रॉम 8th ऑफ दिसंबर। लाइक वी हैव हिस्ट्री ऑप्शनल, ज्योग्राफी, मैथ्स, फिलोसफी, PSIR, सोशियोलॉजी, तो ये नए ऑप्शनल स्टार्ट हो रहे हैं 8 दिसंबर से। तो फटाफट से अपना सब्सक्रिप्शन आज ही ले लीजिए ताकि आप इन नए बैचेस और नए ऑप्शनल्स का फायदा उठा सके। न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 8th ऑफ दिसंबर एज वेल। सो इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी फॉर 2022 और इवन 2023, फॉर 2022 यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम, आपके पास आराम से 6 से 7 महीने हैं। तो आप अगर 2022 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप फटाफट से 9 दिसंबर से पहले अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। प्लस यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑल्सो इफ यू आर यूजिंग दिस कोड अर्पिता 10। ये कोड यूज करके इजीली आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। एंड द बेस्ट इज दैट यू टेक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, बिकॉज इन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ना यू विल गेट 1-on-1 लाइव मेंटरिंग, अ पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस विद द सब्जेक्ट एक्सपर्ट। यू विल बी अलॉटेड योर ओन सब्जेक्ट एक्सपर्ट हु विल गाइड यू थ्रू आउट योर जर्नी। आपको एक कस्टमाइज्ड आपकी एनवायरमेंट सिचुएशन के हिसाब से स्टडी प्लान बना के दिया जाएगा। बाई वीकली रिव्यू होगा, मतलब हर महीने हर 2 हफ्ते बाद रिव्यू किया जाएगा कि आपने कितना अचीव कर लिया। एंड मेंस का क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस भी होगा ताकि आपका आंसर राइटिंग स्किल्स और स्ट्रॉन्ग हो सके। प्लस वी आल्सो ऑफर लोन फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन ऑन अनअकैडमी। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सीएससी फ्रॉम अनअकैडमी प्लस एंड इफ यू आर फाइंडिंग एनी फाइनेंशियल हर्डल, सो वी आर प्रोवाइडिंग लोन आल्सो फॉर योर स्टडीज। सो मेक श्योर दैट एंड ऑल ऑफ दीज लिंक्स आर नाउ गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक्स दिए हुए हैं, तो फटाफट से आप 9 दिसंबर से पहले अपना सब्सक्रिप्शन लेके आज ही तैयारी शुरू कीजिए। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्शन सिंबल, उससे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, सो इट्स मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, इट्स ऑटोनॉमस, दैट मींस इट इज अंडर गवर्नमेंट बट इट हैज द फ्रीडम टू मेक इट्स ओन रूल्स रेगुलेशंस एंड इट एडमिनिस्टर्स द यूनियन इलेक्शन ऑल्सो एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेस ऑल्सो इन इंडिया।
All right. So we have studied so far. It's an autonomous body. It's mentioned in the constitution also, and it is responsible for administering both union and state election process in India. And ये जो body है, ये Lok Sabha के elections, Rajya Sabha elections, state legislative elections, elections for the post of president, vice president, all of these elections are administered by election commission only. Now there are election symbols order 1968. Now this election symbol order. This talks about the allotment of symbols to the political parties. It also recognizes the political parties. ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के political party बना लेगा. Political party को recognize करने के लिए भी कुछ procedures होते हैं. So election symbols will empower election commission so that they can allot symbols to the parties and they can also register the political parties. Now let us understand. What is the correct definition? If somebody asks you in the interview, how can you define what are election symbols? It's a standardized symbol through which you can recognize a particular political party. Now, election symbols helps those also who are illiterate to recognize which party they are voting for. ऐसा नहीं कि नाम लिखा हुआ है, पढ़ना नहीं आता तो कैसे वोट करेंगे? तो वो election symbol के through recognize या identify कर लेंगे political party को. And these symbols are used by the parties for their campaigning also. Now, sometimes na the name of the party is very typical to understand or to remember or to pronounce. So in that case the symbols come handy, right? For example, the AAP party, we have the jhadu for that. Theek hai, hamare paas kamal hai, hamare paas hand ka bhi symbol hai. And these election symbols are also drawn on the EVMs jahan par voter na election symbol dekh kar, the voters in India, even the literate ones, even those who are educated, they also identify the parties with the election symbols, okay? Because the election symbols have captured our attention from so long. So we recognize AAP party with jhadu only, right? And these symbols were introduced to facilitate voting by the illiterate people who cannot read the name of the party or the name of the member. So they can use the identification of the party through the election symbol. Okay, and when these symbols or allotment of these symbols were originated, it originated in 1960s. Okay, so ek symbol order pass kar diya gaya tha jiske through symbols ko allot kiya gaya parties ko. All right, and this order also makes sure that one party is not getting, two parties are not getting the same election symbol. Okay, that is also ensured by this order. Now let us understand about the election symbols order 1968 in detail. So in this order there is a very special paragraph, that is paragraph 15. Now this paragraph 15, through this paragraph the election commission can decide or can solve the disputes among rival parties for a political symbol. तो मान लो जी, मान लो किसी political name या political symbol को लेकर दो parties आपस में झगड़ रही हैं, तो election commission क्या paragraph use करेंगे to solve this dispute? That is paragraph 15 under the election symbols order 1968. And you also have to remember one thing for prelims, that it is only the election commission which can solve such issues. Okay, when it comes to dispute or merger, मान लो political parties dispute कर रही हैं आपस में, one political party is facing a dispute amongst itself, or two political parties are merging into one. So in that case also the issues will be solved only by election commission. Okay, and that this verdict was passed by Supreme Court in Sadiq Ali and another versus ECI in 1971. Okay, this was the verdict that election commission is the only authority to decide over such issues. And this also applies to disputes in recognized national and state parties also. So in that case also election commission is the sole authority for solving such issue. All right, now if in case the there is splits in the registered political party, that means it's a political party which is registered but it is splitting into two factions, it is dividing into two groups, or there are unrecognized political parties. Okay, maan lo political parties mein split ho raha hai, ya unrecognized political parties mein split ho raha hai, ya jo split ho raha hai wo unrecognized parties ka hai. So in that case also election commission usually advises the parties who are fighting with each other to solve their issues internally or to go to the court, not to drag the election commission in between, because later on some of these disputes they get solved by themselves. So that is why the first advice of election commission is to solve your issues within your own self only. Alright, internally अपने issue को solve कर लो अगर split हो रहा है तो, rather than कि आप पूरा election commission को घसीटो फिर पूरा उसमें process चले. In almost all disputes which are decided by election commission, a clear majority of party office bearers, MPs and MLAs have supported one of the factions, and that is why election commission says that you can talk with amongst yourself to solve the issue.
नाउ 1968 से पहले क्या होता था, इलेक्शन कमीशन ना नोटिफिकेशंस या ऑर्डर्स, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को इशू किया करते थे कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के तहत. ऑलराइट, द स्प्लिंटर ग्रुप ऑफ द पार्टी अदर देन द ग्रुप दैट गॉट द पार्टी सिंबल हैड टू रजिस्टर इटसेल्फ एज अ सेपरेट पार्टी. फॉर एग्जांपल दिस इज अ पार्टी. ऑलराइट, ये पार्टी हो गया. नाउ देयर इज फैक्ट यू नो डिस्प्यूट अमंग्स दिस पार्टी. बीच में ही इसमें आपस में लोग डिस्प्यूट कर रहे हैं. मान लो ये पार्टी बाहर निकल गई, दिस पार्टी हैज स्टेप्ड आउट नाउ. नाउ दिस पार्टी हैज टू रजिस्टर इटसेल्फ एज अ सेपरेट पार्टी, ओनली देन इट विल गेट इट सिंबल एंड द ओरिजिनल सिंबल विल स्टे विद द पार्टी जो अभी भी यू नो एक जगह है, स्थिर है. जो पार्टी जो ग्रुप उनको छोड़ के गया है उसे फिर से दोबारा से रजिस्टर करना पड़ेगा यू नो सेपरेट पार्टी के लिए और सेपरेट पार्टी के नेम के लिए. एंड दे कुड ले क्लेम टू नेशनल स्टेट पार्टी स्टेटस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इट्स परफॉर्मेंस. मतलब सेंट्रल या स्टेट इलेक्शन में उनका रजिस्ट्रेशन के बाद परफॉर्मेंस अच्छा है तो फिर वो पार्टी स्टेटस पे अपना क्लेम या हक जमा सकते हैं, वरना तो फिर उनका हक नहीं होगा. राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इलेक्शन सिंबल टॉपिक दैट वॉज इन द हिंदू न्यूज पेपर टूडे. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन. थैंक यू एवरीवन.